नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत। मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य। हम पढ़ रहे थे कबीरदास, और पूर्व वीडियो में कबीरदास की कुछ साखियाँ जो गुरुदेव को अंग से ली गई थी का अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम सुमिरन को अंग से लिए गई कुछ साखियों का अध्ययन करेंगे। गुरुदेव को अंग में गुरु की महिमा का बखान है, और सुमिरन को अंग में स्मरण का नाम स्मरण, ईश्वर के नाम का स्मरण करने की शिक्षा कबीर ने दी है। यानी नाम स्मरण ही सार तत्व है, इसलिए हमें ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए, वही बहुसागर से पार करने वाला है। तो आज पाठ्यक्रम में शामिल सुमिरन को अंग से ली गई कुछ साखियाँ। कबीर कहे में कथी गए ब्रह्म महेश, राम नाम तत्सार हैं सबका उपदेश। कबीर कहते हैं कि मैं कथी गया ने कहना, कथी यानी कहना, कथी गए ब्रह्म महेश यानी ब्रह्मा और महेश, ईश शिव ने, ब्रह्मा और शिव ने भी ये कहा है, और मैं भी ये कहता हूँ। मैं कथी गया, मैंने भी ये कहा है, और ब्रह्मा और शिव भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? राम नाम तत्सार है, कि राम का नाम ही सार तत्व है। तत्सार सार है, सार तत्व है, राम का नाम ही सार तत्व है, इसलिए हमें राम का नाम का स्मरण करना चाहिए। राम नाम का स्मरण ही हमें इस संसार सागर से पार करने में सहायक सिद्ध होता है। राम नाम का स्मरण ही हमारा उद्धार कर सकता है। इसलिए सबका हो उपदेश, यह सबका हो, सबके लिए यही उपदेश हैं कि राम नाम का स्मरण करें, क्योंकि राम का नाम ही सार तत्व है। इसलिए हम सबको राम नाम को अपना लेना चाहिए। इस प्रकार इसमें राम नाम के स्मरण की महिमा कबीर ने गाई है। आगे दूसरी साखी है, भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। मनसा वाचा कर्मणा यानी मन से, वाचा यानी वचन से, वाणी से, और कर्मणा यानी कर्मों से। हमें अपने मन से, अपनी वाणी से, और अपने कर्मों से सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि सुमिरन ही सार हैं, सार तत्व हैं, यही मुख्य हैं, और अन्य सभी दुख कारक हैं। भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, यानि कबीर ने इस साखी में भक्ति, ईश्वर की भक्ति, और हरि नाम, हरि का नाम, ईश्वर का नाम ही महत्वपूर्ण माना है। ईश्वर की भक्ति और उसका नाम ही सार हैं, वही मुख्य हैं, और दूजा दुख अपार, इनके अलावा अन्य सभी दुखदायक हैं। दुख अपार, अपार दुख देने वाले हैं केवल ईश्वर का नाम का स्मरण ही और उनकी भक्ति ही मुख्य तत्व, सार तत्व हैं, बाकी सभी दुखदायी हैं, दुख देने वाले हैं। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, हमें अपने मन, वाणी और कर्म से सिर्फ स्मरण करना चाहिए, ईश्वर के का नाम लेना चाहिए, वही सार हैं। इस प्रकार कबीर की के सुमिरन को अंग से ली गई इन साखियों में कबीर ने ईश्वर के नाम स्मरण की महिमा गाई है। ईश्वर के नाम को ही सार तत्व माना है, अन्य सभी बातें दुखदायक हैं, क्योंकि ईश्वर का नाम का स्मरण ही संसार सागर से हमारा उद्धार करने में सहायक होते हैं। वही हमें इस संसार की जो विषय वासनाएं हैं उनसे दूर कर सकते हैं। इसमें स्मरण को मन, वाणी और कर्म से करने की शिक्षा कबीर ने दी है। अनुप्रास यथासंख्य अलंकार हैं, भाषा प्रारंभिक हिंदी,
जिसे संध्यावासा पूर्वी सधुकड़ी कह सकते हैं, जिसमें खड़ी बोली ब्रज अवधि आदि भाषाओं का मिश्रण है। अभिव्यक्ति सहज सरल है। इसके आगे सुमेरण के अंग से कुछ शाखियाँ और शेष हैं, उनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।